सृष्टि के आरंभ की, हर युग के प्रारंभ की, धर्म कर्म की गाथा निराली, सब इनमें है समाई। पुराणों की गाथा, वृक्ष की महिमा न्यारी, ममता स्नेह और श्रद्धा न्यारी, ऋषि मुनियों के प्रताप से, दुष्कर्मों के संताप से, ज्ञान ध्यान विज्ञान है पाया, अंधकार अज्ञान मिटाया, सत्य इनमें समाया। इस चराचर जगत में प्रत्येक वस्तु गतिमान है, प्रत्येक क्षण प्रतिक्षण काल का ग्रास बन जाता है। किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु का आरंभ उसके अंत पर जाकर संपन्न होता है और फिर उसी समाप्ति से एक नए आरंभ का उदय होता है। काल के चक्र की ये गति अनादि काल से चल रही है और अनंत काल तक चलायमान रहेगी। काल की इस गति के साथ साथ सदैव परिवर्तन भी होता है। ये परिवर्तन काल को एक चक्र में निर्धारित करता है। इस संपूर्ण काल चक्र की यात्रा में कई बदलाव समय के अनुसार आते रहते हैं। कभी भोग प्रधान होता है तो कभी सदमार्ग से भटके जीव के लिए धर्म का मार्ग प्रशस्त होता है, ताकि जीव की सदगति हो सके। तो कभी समय मानव को कर्म प्रधानता की ओर ले जाता है। लेकिन ये काल परिवर्तन इस अनंत आकाश में कहां घटित होता है? यथार्थ में इस अनंत आकाश के मध्य हैं तीन लोक, जिसमें सबसे नीचे है अधोलोक, जहां सात नरक हैं, जिनमें सैकड़ों जीव भयानक दुख और पीड़ाओं को सहन करते हैं। वहीं दूसरी ओर पुण्य के प्रभाव से ऊर्ध्वलोक में जीव अनंत सुखों को भोगते हैं, जिसके मध्य लोक में स्थित हैं असंख्यात द्वीप समुद्र, और इन्हीं द्वीप समुद्र के बीच में है जम्बूद्वीप, जिसके भरत क्षेत्र और एरावत क्षेत्र में परिवर्तित होता है काल चक्र, और यही भरत क्षेत्र के आर्यखंड में ही हमारी पृथ्वी पर भी सदैव युग परिवर्तन होता रहता है, जिस युग में संपूर्ण जगत उत्थान से पतन की ओर गतिशील रहता है, उसे अवसर्पिणी काल कहा जाता है। इस काल में मानव जाति शीर्ष से शनै शनै ह्रास की ओर अग्रसर होती है। इसके विपरीत जब काल पतन से उत्थान की ओर गतिशील होता है तो उसे उत्सर्पिणी काल कहा जाता है। इस यात्रा में जीव ह्रास से उठकर पुनः धीरे धीरे विकास की ओर पग भरता है। ये परिवर्तित होता काल चक्र शीघ्र ही हमारे अनुभव में नहीं आता, बल्कि जब परिवर्तन की स्थिति
काफी आगे बढ़ जाती है, तभी हम उसका आभास कर पाते हैं। अवसर्पिणी काल के आरंभ से उत्सर्पिणी काल की समाप्ति तक काल की यात्रा का एक चक्र या कल्प काल संपन्न हो जाता है, यही काल चक्र है। अवसर्पिणी काल को थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। यह काल 6 चरणों में घटित होता है। इसका प्रथम चरण है सुखमा सुखमा काल, अर्थात सुख ही सुख वाला। द्वितीय चरण सुखमा अर्थात सुख वाला काल। तीसरे चरण में सुखमा दुखमा काल है, यह अधिक सुख और अल्प दुख वाला काल है। चौथा चरण है दुखमा सुखमा, यह अधिक दुख और अल्प सुख वाला काल है। पांचवा चरण है दुखमा, यह दुख वाला काल है। और छठे चरण में आता है दुखमा दुखमा, यह काल पूर्णतः दुख ही दुख वाला काल है। इन 6 चरणों के कालों में अवसर्पिणी काल पूर्ण होता है। इन कालों में एक शब्द की 2 बार पुनरावृत्ति उत्कृष्टता की प्रतीक है। ठीक इसी प्रकार उत्सर्पिणी काल में विलोम क्रम से उत्तरोत्तर विकास की ओर यह क्रम चलता है। प्रथम काल का आरंभ दुखमा दुखमा काल से होता है। द्वितीय चरण में दुखमा काल में प्रवेश करते हैं। तृतीय चरण दुखमा सुखमा काल की ओर चलता है। इसी तरह चतुर्थ भाग में सुखमा दुखमा काल का वर्णन है। पांचवें काल के रूप में सुखमा काल का आगमन होता है और छठे चरण में यात्रा सुखमा सुखमा काल पर पहुंचकर समाप्त होती है। इस प्रकार 12 भागों की इस यात्रा के उपरांत काल का एक चक्र पूर्ण हो जाता है। हमारी यात्रा एक बार पुनः हमें ले आई है अवसर्पिणी काल की ओर। यही हमारी कथा का आरंभ भी है। इस भाग में हमारा परिचय सुखमा सुखमा काल से होगा। इस काल का नामकरण यूं ही नहीं हुआ, अपितु इसके नाम का अर्थ इस काल को पूरी तरह से सार्थक करता है। सुखमा सुखमा से अभिप्राय सुख ही सुख वाला काल। इस समय में मानव जाति को अपार सुख की प्राप्ति थी। पूर्णता भोग प्रधान का, चारों ओर आनंद ही आनंद। सुखों की संपूर्णता यहां साफ साफ देखी जा सकती थी। सर्वत्र स्वच्छ वातावरण था, धूल मिट्टी का कण मात्र भी नहीं दिखाई पड़ता था। कहीं कोई ऋतु परिवर्तन नहीं होता था, सदैव एक समान समय रहता था। इसी तरह दिन और रात का कोई भेद नहीं होता था। प्रकृति की सुंदरता देखते ही बनती थी। हरी हरी घास से पंचवर्ण का प्रकाश फूटता था। वायु में गति न होने के कारण इन वृक्ष और पुष्पों में कोई कंपन नहीं होता था। पूरा वातावरण सुगंधित एवं संगीतमय रहता। सरोवर नीले स्वच्छ जल से भरे रहते। ऐसा प्रतीत होता मानो सरोवर में अमृत विद्यमान हो। यह जल शीतल और आनंद प्रदान करने वाला था। धरती पर प्रकृति का सौंदर्य अपने चरम पर था। संपूर्ण जीव समूह उस समय पूर्णतः प्रकृति के सौंदर्य से वशीभूत थे। प्रिय, चलिए ना सरोवर के किनारे विहार करेंगे। देवी, आज अनायास ही आपके मन में ये विचार कैसे आ गया? स्वामी, क्या आप हमारे साथ नहीं चलना चाहते?
अरे देवी, आप तो हमसे रुष्ट हो गई। हमारा ये अभिप्राय कदापि नहीं था। तो आप हमारे साथ चलने की अपेक्षा प्रश्न क्यों कर रहे हैं? स्पष्ट कहिए, क्या आप हमारे साथ चलेंगे? अवश्य प्रिय। हमने क्या आज तक आपके किसी भी आदेश की अवहेलना की है? आइए चलिए। देखिए ना, कितना सुंदर वातावरण है। ओह देवी, लगता है आपका मन क्रीड़ा करने को लालायित है। हाँ प्रिय, ये सुखद वातावरण मानो इस क्रीड़ा का निमंत्रण दे रहा हो। ठीक है देवी, तब तो हम भी प्रकृति के निमंत्रण की अवहेलना कैसे कर सकते हैं? सुखमा सुखमा काल में सभी जोड़े एक दूसरे से पूर्णता अनभिज्ञ एवं अपने अपने निर्धारित स्थान में ही विचरण करते थे। ये स्थान एक दूसरे से बहुत दूर थे, अतः कभी कोई भी एक दूसरे के संपर्क में नहीं आता था। इस काल में कोई जीव कभी नहीं सोता था। चारों दिशाओं में सुख शांति का वास था। प्रत्येक जोड़ा आमोद प्रमोद में मग्न रहता था। मानव इस समय में 64 कलाओं से संपूर्ण था, अर्थात मनोरंजन की 64 क्रियाएं वो भली भांति जानता था। स्वामी, अभी अभी हमारे मन में एक इच्छा जागी है। प्रिय, कहिए क्या इच्छा है, हम संभवतः से पूर्ण करेंगे। स्वामी, आप तो जानते ही हैं, आपके गायन और वाद्य विद्या के हम सदैव बड़े प्रशंसक रहे हैं। हम जानते हैं प्रिय, पर हम भी तो आपकी नृत्य कला के उतने ही बड़े प्रशंसक हैं जितने कि आप। तो प्रिय, चलिए ना, आज आप कुछ बजाइए और दिल को प्रसन्न कर देने वाला कोई संगीत सुनाइए। अवश्य सुंदरी, परंतु आपको भी हमारे संगीत पर नृत्य कर उसे सुशोभित करना होगा। शक्ति होती थी कि वो स्वयं को कई रूपों में धारण कर सकता था और तरह तरह की क्रीड़ाओं का आनंद ले सकता था। ये कल्प वृक्ष ना तो वनस्पति थे ना कोई देव थे, किंतु ये वृक्ष जीवों को उनके पुण्य का फल देते हुए भोग सामग्री प्रदान करते थे। ये वृक्ष ऐसे प्रतीत होते थे
मानो पृथ्वी काय हों। यहां 10 प्रकार के कल्प वृक्ष विद्यमान थे। प्रत्येक कल्प वृक्ष कुछ विशेष प्रदान करता था। प्रथम कल्प वृक्ष यहां पानांग नाम से जाना जाता था, जो अति शीतल पुष्टिकारक 32 प्रकार के पेय पदार्थ प्रदान करता था। द्वितीय कल्प वृक्ष को हम तुरियांग नाम से जानते थे, जो विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र जैसे शंख, मृदंग और वीणा आदि प्रदान करता था। इसी तरह विभिन्न प्रकार के आभूषण प्रदान करने वाला कल्प वृक्ष भूषणांग नाम से प्रसिद्ध था। वस्त्रांग नाम का ये कल्प वृक्ष उत्तम एवं आकर्षक वस्त्र प्रदान करता था। भोजनांग कल्प वृक्ष 16 प्रकार के व्यंजन, 108 प्रकार के खाद्य पदार्थ, 363 प्रकार के स्वाद्य पदार्थ प्रदान करने वाला कल्प वृक्ष था। आलयांग कल्प वृक्ष से रमणीय दिव्य भवन की प्राप्ति होती थी। चंद्रमा के समान हल्का नीला प्रकाश देता हुआ ये कल्प वृक्ष दीपांग था। भाजनांग कल्प वृक्ष से रत्न जड़ित विविध भाजन एवं चामर आसन की प्राप्ति होती थी। सुगंधित एवं उत्तम पुष्पों की माला प्रदान करता ये कल्प वृक्ष मालांग था। तेजांग कल्प वृक्ष जिससे करोड़ों सूर्य से भी अधिक प्रकाश उत्पन्न होता था, जिसके प्रकाश के कारण सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों का प्रकाश भी कांतिहीन था। इसी कारण पृथ्वी पर दिन और रात का भेद नहीं होता था, ना ही किसी जीव की छाया बनती थी। ये सभी कल्प वृक्ष सदैव इन सुखों को तुरंत प्रदान करते थे। मानव को स्वयं कुछ भी एकत्रित करने के लिए श्रम तनिक भी नहीं करना पड़ता, उसे तो केवल सुखों का भोग करना होता था। मन में कोई भी इच्छा आने भर से पहले ही वो उन्हें पूर्ण कर सकते थे। इस भोग भूमि पर किसी भी वस्तु का अभाव नहीं था, कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती थी। जीव पूर्णतः संतुष्ट, कष्टों से कोसों दूर थे। किसी भी व्याधि, पाप, राग, द्वेष का भय नहीं था। अशुभ व अमंगल जैसे शब्दों के लिए भी यहां कोई स्थान नहीं था। सुख ही सुख के इस काल में सभी इच्छाएं सोचने मात्र से ही पूर्ण हो जाती थीं। सभी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति के लिए कल्प वृक्ष जो विद्यमान थे, ये हर क्षण भोग विलास की सभी उत्तम वस्तुओं को देने के लिए सदैव तत्पर थे। ये पृथ्वी किसी स्वर्ग लोक से कम ना थी। प्रिय, आज दिल करता है सुगंधित उत्तम पुष्पों का श्रृंगार करूं। क्यों नहीं प्रिय, चलो हम भी तुम्हारे साथ मालांग कल्प वृक्ष की ओर चलते हैं और पुष्पों के आभूषण प्राप्त करते हैं। तो चलिए ना स्वामी, अब तनिक भी विलंब ना कीजिए। हे वृक्षदेव, मुझे पुष्पों के आभूषण प्रदान कीजिए। देवी, आपका सौंदर्य तो अद्भुत प्रतीत होता है। सुखमा सुखमा काल में जीवन इतना आनंदमयी और इतना सुखदायी था कि हमारी आपकी कल्पनाएं भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। हम और आप तो जितना इच्छित वस्तुओं के बारे में सोचें, उससे कई गुना अधिक सुखोभोग की सामग्री तब विद्यमान थी। अलौकिक प्राकृतिक सौंदर्य जो चित्त को क्षण भर में ही हर ले, विभिन्न प्रकार की मनोरंजक क्रीड़ाएं
जो अपार आनंद प्रदान करती। सभी जोड़े इस काल में भूमंडल पर एक संपूर्ण सुखदायी जीवन जी रहे थे और उन्हें देख ऐसा प्रतीत होता था कि युगों युगांतरों तक वे सभी इसी प्रकार प्रसन्नचित रहेंगे और किसी भी प्रकार का दुख उन्हें छू भी नहीं पाएगा।